उसी के साथ साथ डॉलर इंडेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं एस एन पी ग्लोबल और डाउ फ्यूचर्स यूएस में आज शुरू होने वाली दो दिनों की एफओ एम सी बैठक के पहले और सीपीआई के आंकड़े आने के पहले डाउ फ्यूचर्स में हमें हल्की सी सुस्ती देखने मिल रही है निकाय जो है वहां पर करीब करीब वन सेवेंटी पॉइंट की तेजी देखने मिल रही है अगर हम मेजर कमोडिटी अपडेट की बात करें तो क्रूड ऑयल के मामले में हल्की सी बढ़त हमें देखने मिल रही है 76 डॉलर के पार जाता हुआ दिखा है गोल्ड 61100 के ऊपर क्या रहा फ्लैट है वहीं सिल्वर भी 71900 के आ, के वहां पर फ्लैटिशोन में नजर आ रहा है नेक्स्ट अगर हम

से जो इथेनॉल प्रोडक्शन के रोक के बाद शुगर कंपनीज का जो संगठन है आईएसएमए एस की आज शाम पांच बजे पीएमओ के साथ में बैठक है उपभोक्ता मामले के जो सचिव है उन्होंने फैसले की प्रॉपर समीक्षा करने का भरोसा जताया है नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर फोकस किया क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है बजट में पीएम जन आरोग्य योजना का जो बीमा कवर है वो दो से तीन गुना बढ़ाकर दस लाख से पंद्रह लाख तक किया जा सकता है जो फिलहाल पांच लाख तक का है Next, के लिए जो मक्का, मक्की के जो मक्का खरीद है उसके लिए तीन सौ करोड़ एडिशनल रुपए दे सकती है सरकार इसलिए बीसीएल इंडस्ट्रीज पर फोकस रखेगा आज यहां पर हमें एक तेजी का रुझान देखने मिल सकता है आज नवंबर के रिटेल महंगाई के आंकड़े आते हुए दिखेंगे और अक्टूबर के आईआईपी के भी आंकड़े आते दिखाई देंगे. Remember, रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, यहां पर है. में, uh, का जो है उस पर विचार किया जाएगा लास्ट बट नॉट लिस्ट जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल पर फोकस रखेगा क्योंकि जो 90 दिन का एंकर लॉक इन फिफ्टी परसेंट का वो आज खत्म होता हुआ दिखेगा मेरी एंड सिक्योरिटी मेता थैंक यू सो मच तो so, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की डॉलर इंडेक्स 104 के करीब ट्रेड कर रहा है कल के सेशन में भी हमने देखा डॉलर इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो आप ये मान के चलिए कि कमोटी मार्केट में गिरावट बढ़ेगी और हमने देखा भी है पिछले दस दिन के अंदर डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी बनी है क्योंकि जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हमने इससे पहले देखा था कि उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी और हमने पहले भी कहा था कि इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ेगी अब घटने की तैयारी कर लीजिए और हमने मोस्टली uh, ई और बी सब ने कहा है कि मिड ऑफ दो चौबीस में हम रेट कट करेंगे और आ, हमने ब्रीफ भी किया था कि यूएस में इलेक्शन है नवंबर 2024 में और इलेक्शन में अगर रिजल्ट लाना है तो छह से सात महीने पहले अगर इंटरेस्ट रेट कट करना चालू करेंगे तो ही इकोनॉमी पे पॉजिटिविटी दिखेगी और उसको जब हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया तो हमारा मानना है कि मार्च अप्रैल के अंदर प्रोडक्ट ये रेट कट किया जा सकता है और ऐसा ही हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखा जिसके बाद सोने में हमने लगभग चौसठ का हाई लगते हुए देखा चांदी में भी हमने सेवेंटी एट थाउजेंड का लेवल भी ब्रिज कर गए थे और अब वो न्यूज खत्म हो चुकी है क्योंकि अब सबको पता है ना मार्च और अप्रैल में इंटरेस्ट रेट कट होगा तो अब नया क्या है जब तक नया कुछ नहीं आएगा सोने चांदी में गिरावट रहेगी तो हमने ऑलरेडी दो तीन दिन में देखा कि सोना 2000 डॉलर के नीचे आ चुका था जो हाई में 2140 डॉलर का लेवल दिखाया था लगभग 2150 मान के चलेंगे तो 150 डॉलर की गिरावट हमने गोल्ड में देख ली है चांदी के अंदर भी तीन डॉलर की बड़ी गिरावट देखकर अब हम तेईस डॉलर के करीब ट्रेड कर रहे हैं और जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो हम ईरो जीबीपी जेपीवाई में भी गिरावट देखते हैं नो डाउट आज दिन के सेशन में डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्टेबल टू नेगेटिव है जिसके चलते सोना चांदी ईरो जीबीपी जेपी वाई थोड़े से पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कच्चे तेल पे भी नजर रखेंगे तो कच्चे तेल में भी कोई नई न्यूज नहीं, नहीं आई है क्योंकि हम जानते हैं ओपेक ने प्लेज किया है टू पॉइंट टू मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट जो है फर्स्ट क्वार्टर 2024 के रहेगा लेकिन जो अदर मेंबर्स है वो खुश नहीं है सऊदी ने भी प्रेशर करने की कोशिश की बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो उसका कोई सपोर्टिव प्राइजेस में नहीं आ रहा है हाँ सीओटी की रिपोर्ट के अनुसार ये देखा जा रहा है कि सेवेंटी नाइन परसेंट पोजिशन शॉर्ट में थी अब वो लिक्विडेट होने की तैयारी कर रही है हमने रिसेंटली देखा कि यूएस की जो एस होल्डिंग है वो चालीस साल के लो पे जाने के बाद अब यूएस करीबन थर्टीन मिलियन बैरल के आसपास का री uh, इन्फ्यूज करते हुए दिखाई देगी जिसके चलते कच्चे तेल को सपोर्ट मिल रहा है और ब्रांड आज हम देख रहे हैं सेवेंटी सिक्स डॉलर के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है यूएस का जो इन्फ्लेशन रीडिंग और रेट डिसीजन के जो अपडेट्स आने हैं ये हफ्ते में काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेड ई और बी ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर गाइडलाइंस देंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा कच्चे तेल के लिए भी और सोने चांदी के लिए भी तो आज के में हो सकता है हम सोने चांदी में तो प्राइजेस में दिन में तेजी देखे या रिकवरी देखे बट कहीं ना कहीं प्राइजेस पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा जबकि ब्रेंड और ऑयल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि आज मार्केट तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा वहीं दूसरी ओर नेचुरल गैस पर नजर रखें तो कल नेचुरल गैस में हमने बड़ी गिरावट आठ परसेंट की देखी जबकि इंटरनेशनल में दस परसेंट की गिरावट के साथ प्राइजेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम टू पॉइंट थ्री डॉलर तक पहुंच चुका था लोवेस्ट लेवल है छह महीने के अंदर सेप्टेम्बर में भी हमने लो देखा था बट उसके नीचे जा चुका है मार्केट अब प्रोजेक्शन बताया जा रहा है या वेदर अपडेट बताया जा रहा है कि वार्मर देन यूजल वेदर रहेगा जिसकी वजह से ये बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया है और 26 जनवरी तक की अगर हम बात करें तो वेदर में कोई चेंजेस नहीं है डिमांड एज ऑफ नाउ वेरी लाइट है लेकिन जो सप्लाई साइड की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर में 7.3 परसेंट की सप्लाई बढ़ते हुए दिखाई दे रही है जिसके चलते नेचुरल गैस के अंदर हमने ये बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है तो टाइमिंग नेचुरल गैस के अंदर यहां से जैसे कल आठ परसेंट की गिरावट आ गई आज भी आठ परसेंट टूटेगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला प्राइजेस आज रिकवर करते हुए दिखाई देंगे जो 204 206 के बीच में जाते हुए दिखाई देंगे बट संभल के रहिए ये जस्ट एक टेक्निकल रिट्रेसमेंट रहेगा जब तक प्राइस 215 के ऊपर नहीं जाता है हाई पॉसिबिलिटी हम वापस गिरावट देखे बट ऑलरेडी जब भी इतना बड़ा फॉल आता है उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है तो नेचुरल गैस में फेड फ्रेश सेल की सलाह नहीं है मार्केट 194 के स्टॉप लॉस से अगर लेके चलेंगे तो मे भी 204 206 तक का एक जम मिल जाए बट कंसिस्टेंटली मार्केट है, जो गिरावट लिया है यहां से एक रिकवर करता हुआ दिखाई देगा वहीं अगर कॉटन की बात करें तो मैंने कहा भी था कि कॉटन पे नजर रखी है आज आप देखिए कॉटन 82 सेंट के करीब पहुंच चुका है स्लोली एंड स्टडीली वन मंथ हाई पे आ चुका है और अब ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई पे सबकी निगाहें टिकी हुई है दिसंबर की की जो रिपोर्ट आई है वहां पे बताया जा रहा है कि यूएसडी प्रोजेक्ट कर रहा है कि वर्ल्ड का जो कंजम्पशन रहेगा तेईस चौबीस में वो करीबन 1.6 मिलियन बैरल का 1.6 मिलियन बेल्स का लोअर रहेगा क्योंकि हम देख रहे हैं रिसेशन के चलते कोई डिमांड निकल के नहीं आ रही है और खास करके जो सबसे बड़ा इसमें 1.6 के अंदर अगर बात करें तो 1 मिलियन तो चाइना की तरफ से ही है वायरस तुर्की में भी जो कंजम्पशन है वहां पे भी चार लाख बेल्स का लोअर बता रहा है यूएस एंड मेक्सिको में भी हमने डाउन देखा बांग्लादेश में अब इंप्रूवमेंट होना चालू हो चुका है क्योंकि बांग्लादेश को हम बोलते हैं फैक्ट्री टेक्सटाइल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड तो अगर बांग्लादेश में पहले हमने देखा था फॉरेक्स का कंसर्न था जिसकी वजह से सभी चीजों को अच्छा बांग्लादेश मसाले के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जानते हैं कि हमारा जीरा हल्दी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम बांग्लादेश भी करते हैं तो अब बांग्लादेश से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव है जिसके चलते हमें लगता है एक्सपोर्ट डिमांड चाहे हम जीरे की बात कर ले चाहे कॉटन की बात कर ले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रहेगा और कंजम्पशन uh, भी है एक लाख बेल, uh, बेल से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है मीनवाइल अगर एंडिंग स्टॉक की अगर बात करते हैं तो नौ लाख बेल्स हायर बताया जा रहा है जिसके चलते है, अभी तक प्राइजेस जम नहीं किया था बट उम्मीद है कि जैसे डोमेस्टिक मार्केट में हमने आ, कंसर्स देखा है प्रोडक्शन को वील्ड को देखकर यह प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा वहीं दूसरी और अदर एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो वीट के प्राइजेस में फिर से हमने उबाल आते हुए देखा छह डॉलर के ऊपर वीट चले गया है डोमेस्टिक मार्केट में भी गवर्नमेंट हरकत में आ चुकी है हाँ नो डाउट अभी भी एम्पल ऑफ सफ सप्लाई है बट सबको जो कंसर्स लग रहा है वह है अगले साल के वेदर कंसर्न जिसके चलते प्राइजेस आने वाले दिनों में और तेजी दिखा सकता है गोल्ड के प्राइजेस में हमें लगता है, कि अभी भी गिरावट है दो हजार डॉलर का लेवल तोड़ चुका है टाइमिंग ये हफ्ते के जो मेजर सेंट्रल बैंक से जो अपडेट आएंगे ये गोल्ड पे दबाव ला सकते हैं बिकॉज रेट कट की जो बात थी वो तो ऑलरेडी उन्होंने बता ही दी है तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता भी है तो सोने और चांदी पे अभी भी दबाव या नेगेटिव प्राइस मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है विक्स <laughs> भी तेरह के नीचे जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं एल पे अगर हम देखते हैं तो एल पे इस वक्त प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं कल के सेशन में एक सेकेंड सॉरी एलमी uh, की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त कॉपर के प्राइजेस टू पॉजिटिव के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं एल एमी जिंक है पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है एल्यूमिनियम आधे परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है लेड नियर टू आधे परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड रहा है सोना चांदी भी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं बेस मेटल के अंदर नो डाउट हम भी समझ रहे कल के सेशन में हमने गिरावट जरूर देखी बट ये गिरावट है वो सस्टेनेबल नहीं है ये दस बारह तारीख के बाद से ही उम्मीद थी कि चाइना से डिमांड इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा जिसका सपोर्ट हम पूरे ही एग्री और नॉन एग्री प्रोडक्ट पे आते हुए देखेंगे तो आज के ट्रेड सेटअप को देखते हुए पहला है एमसीएस बुलडेक जहां पे हमने कल भी कहा था कि प्राइजेस पंद्रह हजार पांच सौ तक का लेवल दिखा सकता है और कल हमने देखा था पंद्रह आठ सौ तक के लेवल हम आते हुए देखे थे आज के सेशन में दिन का फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो बुलियंस के लिए पॉजिटिव हो सकता है हजार नौ सौ चालीस पचास तक का लेवल एमसी बुलडेक्स में देखेंगे बट जब सोलह हजार का लेवल ब्रीच नहीं करता ट्रेंड रहेगा सोने में भी उम्मीद के अनुसार प्राइजेस में गिरावट रही थी इकसठ पांच सौ का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो मार्केट तोड़ चुका है और इकसठ पांच सौ के नीचे ट्रेड कर रहा है दिन के सेशन में प्राइजेस में रिकवरी रहेगी जो इकसठ चार सौ पांच सौ की जोन में मिलता है बेच के चलिए इकसठ हजार का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है इकसठ का लेवल तोड़ने पे ही हम साठ हजार सात सौ तक का लेवल देखेंगे बाइंग की एक्टिविटी लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं करनी है हाँ शॉर्ट टर्म में आज इंटर में दिन में बाय कीजिए जो ऊपर में इकसठ तीन सौ चार सौ की रेंज में दिखाएगा चार सौ के ऊपर जाएगा वहां से वापस बिकवाली करके चलेंगे बट ओवरऑल मार्केट इकसठ इकसठ पांच सौ के बीच में ट्रेड करेगा सेल ऑन रैली की रणनीति बना के ट्रेड करना है वहीं अगर हम चांदी की अगर बात करें तो कल भी हमने लगभग एक परसेंट की बड़ी गिरावट देखी फ्रेश सेलिंग के चलते अब प्राइजेस बहत्तर पांच के नीचे आ चुका है टेक्निकली अगर देखें तो बाईस साठ बाईस चालीस का जोन है

या और एग्रेसिव कट्स की बात हुई तो ही पॉसिबल है अदरवाइज मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहेगी वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो मार्केट अब सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है मैंने अभी बताया भी है एसपीआर होल्डिंग्स में आ, एडिंग uh, होनी है जिसके चलते कच्चे तेल को सपोर्ट मिलेगा और फंडामेंटल साइड में और कोई मेजर सपोर्ट नहीं है बट एसपीआर होल्डिंग की वजह से मे बी पॉसिबल है कि हम प्राइसेस को वापस छः हजार पचास से लेकर इकसठ सौ पचास के जोन में जाते हुए दिखेंगे कच्चे तेल में बिकवाली नहीं करनी है नेचुरल गैस में कल हमने आठ साढ़े की बड़ी बिकवाली देखी है टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट दो के नीचे ट्रेंड नीचे है जो 185 तक का भी लेवल दिखा सकता है बट आज इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट मिला हुआ है इसी सपोर्ट को देखते हुए हमें लगता है कि एक छोटा रिट्रेसमेंट आएगा जो 203 से 205 के बीच में नेचुरल गैस में मिलता हुआ दिखाई देगा करंट लेवल से शॉर्ट नहीं करना है एक बार बाउंस आने दो सौ पाँच हजार वहां से हम देख कर फिर वापस पोषण बनाएंगे बेस मेटल के अंदर कल भी हमने कॉपर में गिरावट देखी है बट फ्रेंकली चाइना से जो एक स्लो एंड स्टडी इम्पेक्ट है वो प्राइजेस को ज़्यादा बड़ा टूटने नहीं देगा ब्रॉडर रेंज सात सौ दस से सात सौ बीस है आज के लिए इंटर डे में लेके चलिए सोलह पचास से सत्रह के टारगेट के लिए जिंक में कल भी हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है 216 के लेवल पे लेके चलते हैं हम तो दो सौ से 219 तक का लेवल हम जिंग में भी देखेंगे एल्यूमिनियम काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है आज एल पे भी हम आधे परसेंट की तेजी देख रहे हैं इससे पहले भी अगर आप चार महीने पहले देखेंगे तो 194 से घुमा था जो हमने 208 तक का लेवल देखा है तो टाइमिंग आज इंटर में वन के स्टॉप लॉस से एल्यूमिनियम लेके चलना चाहिए वन नाइन्टी से वन तक का जब मिलेगा वहीं लेट स्टेबल रहेगा प्राइजेस वन एटी फाइव फिफ्टी के टारगेट लेके चलिए मैन था हमें लगता है कि नौ सौ बीस के सपोर्ट से मार्केट कंटिन्यूस सपोर्टेड रहेगा नाइन फोर्टी फाइव का लेवल तोड़ने पर नाइन सेवेंटी तक का लेवल मिलेगा आज इंटर डे में लेके चलिए नाइन थर्टी एट के, के टारगेट के लिए कॉटन इंटरनेशनल एट्टी टू सेंट के ऊपर आ चुका है कॉटन कैंडी में भी आज सपोर्ट मिलेगा फिफ्टी सेवन टू हंड्रेड के टारगेट के लिए लेके चलिए वहीं दूसरी और अगर हम पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो कल हमने मिला जुला ट्रेड गवार गवार गम और कैस्टर में छप्पन के के बीस के ऊपर गवर सीट लेके चलिए छप्पन अस्सी के, के टारगेट के लिए अदरवाइज मार्केट रेंज बाउंड रहेगा गवार गम भी ग्यारह हजार दो सौ के ऊपर ही बाय करना है जो ग्यारह चार सौ पचास से ग्यारह पांच सौ का लेवल दिखा सकता है वहीं कैस्टर की अगर हम बात करते हैं तो कैस्टर फिफ्टी नाइन से फिफ्टी नाइन एटी के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा वेट कीजिए नई पोजिशन के लिए के टारगेट के लिए ले सकते हैं वही हल्दी के अंदर हम देख रहे हैं कि अप्रैल महीना अप्रैल और दिसंबर में कम से कम 2000 पॉइंट का हम स्प्रेड देख रहे हैं जनरली ये स्प्रेड इतना नहीं होता 500 सौ पॉइंट का ही रहता है बट जिस ढंग से क्रॉप कंसर्स रहेगा ये आगे जाके स्प्रेड कंटिन्यू एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा तो टेक्निकली चौदह हजार तक का सपोर्ट मिल सकता है वहां पे आप फेस बाइंग कर सकते हैं आज जब तक चौदह हजार पांच सौ का लेवल ब्रीच नहीं करता मार्केट चौदह हजार एक बार दिखाने की ताकत रखता है जीरे के अंदर भी कल हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा थर्टी से थर्टी एट का जोन एक बार प्राइजेस थर्टी एट के ऊपर निकलता है देन डेफिनेटली प्राइजेस में एक बड़ा अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा

करंसी हम अगले सेशन में पूरा कंप्लीट देखेंगे बट 8350 और 8330 का एक ब्रॉडर रेंज यूएसडी के लिए बन चुका है टेक्निकली अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें तो प्राइजेस धीरे धीरे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है डॉलर इंडेक्स में जब तेजी आती है तो कमोडिटी में अंडर परफॉर्मेंस रहता है इस पर भी नजर रखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर हम बात करें तो अच्छे बड़े जम के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा स्टैगनेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगले दो दिन में मार्केट स्टेगनेंट रहने की उम्मीद है कोई फ्रेश अपडेट नहीं मिलेगा लेकिन अगर हम गोल्ड की अगर बात करते हैं तो गोल्ड इम्पोर्टेंट सपोर्ट इकसठ सौ पे सपोर्ट था वो तोड़ चुका है एज ऑफ नाउ हमें लगता है थोड़ी सी रिकवरी जरूर बन जाएगी लेकिन जब तक ये इकसठ 800 या लेट से बासठ के ऊपर नहीं जाता है हाई पॉसिबिलिटी कि हम वापस साठ हजार साठ हजार दो के बीच में भी जाते हुए दिखाई देंगे क्योंकि मैग्डी यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव बनना चालू हो चुकी है तो टाइमिंग मार्केट अच्छा चौपी इंडिकेटर ऊपर जा रहा है इसका मतलब है मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट साइड वे टू नेगेटिव रह सकता है एल्यूमिनियम में अगर हम देखें तो इससे पहले भी जून जुलाई अगस्त के अंदर हमने प्राइजेस में 194 का स्ट्रांग सपोर्ट देखा था यहाँ से प्राइजेस रिकवर करने की कोशिश कर रही है एक बार वन नाइन्टी या लेट्स इन वन के ऊपर निकलता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग पुल बैक टू दी लेवल ऑफ हंड टू हंड्रेड टू जीरे के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो मैंने अभी बताया है छत्तीस हजार से अड़तीस हजार का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है एक बार थर्टी एट फाइव हंड्रेड के ऊपर निकलता है तो फोर्टी टू से फोर्टी फाइव के बीच में प्राइजेस रिटर्स करता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये जो लेवल है रेड लाइन वाला ये काफी क्रुशल है तो टाइमिंग थर्टी सिक्स थर्टी एट का एक रेंज मार्केट में रहने की उम्मीद है इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद

आज निफ्टी में हम 21,050 के करीब ओपन करने जा रहे हैं इक्विटी मार्केट में हल्के पॉजिटिव नोट पे इनिशियल हल्के लॉसेस इक्विटी मार्केट में देखने मिले तो आज इक्विटी मार्केट में मिलती है तो हायर साइड 21,150 21 के करीब के लेवल्स हो सकते हैं डेस्ट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर हमें थाउजेंड फोर हंड्रेड के करीब मिले तो हायर साइड फोर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड 47,700 के करीब के लेवल्स हो सकते हैं टेस्ट आज के सेशन में हम इक्विटी मार्केट में तेजी का व्यू लेके चलेंगे। चार्ट्स फॉर द डे की बात करते हैं फर्स्ट इज डीमार्ट। डीमार्ट में हमें डेली टाइम फ्रेम पे बिहारिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होते दिख रहा है प्राइजेस 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है अगर प्राइजेस ट्वेंटी थ्री पॉइंट को ब्रेक करती है तो हम इसमें बेयर बियरिश्यू लेके चले के। फ्लोरा केम, फ्लोरा केम गए होते दिख रहा है प्राइजेस 50 एंड 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज के साथ में ब्रेकआउट दे चुकी है हम इसमें बुलिश बुलिश्यू लेके चले गए चोला फिन, चोला फिन में हमें आवर टाइम फ्रेम पे फॉलोइंगेज पैटर्न फॉर्म होते दिख रहा है प्राइजेस फिफ्टी एंड टू हंड्रेड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है प्राइजेस ब्रेकआउट दे चुकी है हम इसमें बुलिश बुलिस लेके चलेंगे एशियन पेंट्स एशियन पेंट्स में हमें टाइम फ्रेम पे बुलिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होते दिख रहा है प्राइजेस फिफ्टी एंड टू हंड्रेड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है प्राइजेस ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्सटी परसेंट फिपोना के लेवल को ब्रेक कर चुकी है हम इसमें बुलिश बुलिस लेके चलेंगे बाटा इंडिया बाटा इंडिया में हमें फोर आर टाइम फ्रेम पे बियरिश हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होते दिख रहा है एंड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मॉर्निंग एवरी वन माइफ अभिषेक चौहान फ्रॉम एडवाइजरी और अब हम करेंसी मार्केट के बारे में बात करेंगे कल के सेशन में हमने फिर से देखा यूएसडी एनआर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में रहा ओवरऑल चार पैसे की एक नॉर्मल रेंज रही अगर आप देखेंगे ऊपरी स्तर पर डॉलर में बार बार आरबीआई का इंटरवेंशन आ रहा है जिस वजह से जो वीकनेस है वो ज्यादा नहीं बन पा रही पर एट द सेम टाइम निचले स्तर पर बार बार डॉलर का जो डिमांड है इम्पोर्टर्स का और स्पेशली जो क्रूड ऑयल के पेमेंट्स रहते हैं उस वजह से भी जो अपोजिशन बायस है वो नहीं बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स जो 104 के आसपास है वो पॉजिटिव बना हुआ है वो भी एक कारण है जिस वजह से हम रुपए में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हैं अगर आज के सेशन की बात करी जाए तो डेटा पर्स्पेक्टिव से इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा है जो कि साढ़े पांच बजे आने वाला है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है इन्फ्लेशन का डेटा एक्सपेक्टेशन लास्ट टाइम से थोड़ा सा बढ़कर आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगले आने वाले दो तीन दिन के लिए इसके अलावा अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो यूएस से आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट डेटा है अगर आप देखेंगे तो शाम के सेशन में सात बजे कोर सीपीआई और सीपीआई के डेटा आने वाले हैं जो कि ट्रेंड डिसाइड करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए कि मार्केट के स्टैंड में जाने वाला है क्योंकि ट्रेंड टेक्निकल ट्रेंड यूएस डॉलर में अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है और अगर सीपीआई के नंबर एस पर एक्सपेक्टेशन कमज़ोर आते हैं तो डॉलर में थोड़ी सी कमजोरी बन सकती है अगर डॉलर कमजोर बनता है तो कहीं ना कहीं रुपए में भी स्ट्रेंथ बनती है पर अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़े से भी अगर मजबूत आए तो जो रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा फेड होता है क्योंकि लास्ट वीक अगर आप देखें नॉन नॉनफार्म का डेटा भी स्ट्रॉन्ग आया था तो उस वजह से भी थोड़े से जो रेट कट के एक्सपेक्टेशन है वो थोड़े से जो बढ़े हुए थे वो कम हुए थे सॉरी तो बढ़े हुए थे वो वापस से कम हो गए थे पर अभी ये आज का डेटा इंपॉर्टेंट है कल फेड की मीटिंग का आउटकम भी है वो भी इंपॉर्टेंट रेलिमेंट प्ले करेगा अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से रुपये में देखें तो 83.50 और 83.30 का एक लेवल है 20 पैसे का पर कुछ दिनों से पांच से सात पैसे का ही ट्रेडिंग हो रहा है इसके अलावा अगर हम कल के सेशन में यूरो एनर की बात करें तो यूरो एनर कल एक गैप डाउन ओपन के साथ आ, गेप के साथ ओपन हुआ डाउन ओपन हुआ पर कहीं ना कहीं निचले स्तर पर हमने यूरो में थोड़ी सी बाइंग देखी क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पे जो डॉलर इंडेक्स है उसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ एक सौ के आसपास से बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा था जो कि एक सौ तीन एक तीन के आसपास आ रहा था इस वजह से यूरो डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत हुआ तो कहीं ना कहीं निचले से इस तरह से बाइंग देखी आज का अगर हम लेवल देखें तो हम हमारा मानना है कि नाइनटी काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऊपर में रेजिस्टेंस पर वो एट सपोर्ट जोन रहेगा क्योंकि आज शाम को यूएसए जैसा मैंने बताया कि डेटा भी है सीपीआई का वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा पर उसके अलावा अगर आप देखें तो यूरो जोन से भी आज काफी इम्पोर्टेंट डेटा है आज जर्मनी के हो, होलसेल नंबर है इन्फ्लेशन के डेटा जो कि साढ़े बारह बजे है जो कि एक्सपेक्टेशन है थोड़े से कमजोर आने का है अगर ऐसा होता तो यूरो की स्टेक्नेस दिखेगी इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरो से इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स का डेटा है जो कि साढ़े तीन बजे आएगा जर्मन जीव इकोनॉमिक सेंटीमेंट है जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव आने के संभावना है तो ये डेटा साढ़े तीन वाला है उस वजह से थोड़ा सा ही उस टाइम पे मार्केट में यूरो में हम देखने को मिल सकता है अगर हम पाउंड की बात करें कल के सेशन में पाउंड में भी हमने एक गेप डाउन ओपन देखी पर निचले स्तर पर फिर से अगेन बाइंग देखी क्योंकि डॉलर इंडेक्स में ऊपरी स्तर पे से जो बिकवाली आ रही है बार बार 104 के आसपास वो कहीं ना कहीं पाउंड को डॉलर के अगेंस्ट में और इवन पाउंड को आएन के अगेंस्ट में निचले स्तर पे बार बार बाइंग सपोर्ट मिल रहा है अगर टेक्निकल ट्रेंड देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड आज भी हमको देखने को मिल सकता है इंटरडे पर्सपेक्टिव से ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो एक के आसपास है सपोर्ट एक के आसपास है आ, आज भी क्योंकि जैसा बताया कि आज यूएस से सीपी का डेटा है और पीपीआई के डेटा है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके अलावा यूके से भी अगर आप देख देखें तो यूके में जो आज जॉबलेस क्लेम का डेटा है क्लेमेंट काउंट चेंज जिसको बोलते हैं वो भी थोड़ा सा बढ़ के आने वाला है इसके अलावा एवरेज अर्निंग इंडेक्स से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये भी डेटा है जो कि साढ़े बारह बजे आएगा जो कि मार्केट का मूड डिसाइड करेगा आने वाले आज के दिन के लिए और अगले एक दो दिन के लिए अगर जेपीवाई एन आर में देखें तो हमने एक अच्छी सेलिंग देखिए बहुत बड़ी रैली के बाद पर कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेनेबिलिटी के आसपास एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया पिछले दो तीन दिन से क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो सेलिंग प्रेशर बना था एक के आसपास तो वो वापस से 146 के लेवल पर आ गया आज अगर सीपीआई के डेटा के बाद कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है तो कहीं ना कहीं जेपीवाई में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है पर वो इंपैक्ट होगा इंटरनेट अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टेक्निकल ट्रेंड थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर आया था उसके बाद बाइंग जोन पर दिख रहा है तो हमारा मानना है कि आज अगर 56.83 एक अच्छा सपोर्ट है और फिफ्टी सेवन पॉइंट एट जीरो अच्छा रजिस्टेंस इंटरनेट पर निचले स्तर पर अगर आपको मिलता है तो आप बाय करके थोड़ा सा कर सकते हैं ऊपर में जो लेवल है फिफ्टी एक रेजिस्टेंस है अगर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज पीपीआई का डेटा आया जो थोड़ा सा बढ़कर आया है एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं करेंसी uh, के लिए थोड़ा सा कमजोर रहता है उस वजह से हम थोड़ा सा एक प्रेशर देख सकते हैं टेक्निकल थोड़ा सा अगर आप JPY, में देखें तो uh, स्तर से बाइंग दिखा रहा है एट द सेम टाइम डॉलर देखें तो वो भी एक मजबूती बता रहा है कि इस स्तर पर अगर होल्ड करता है तो वापस एक बड़ा सेलिंग uh, डॉलर में जेपीवाई के अगेंस्ट आ सकता है एट द सेम टाइम उसका इंपैक्ट सीधा सीधा हम जेपीवाई आई में देख सकते हैं जो कि जेपीवाई आई के अगेंस्ट में मजबूत बन सकता है इसी के साथ हम आज की कौन कॉल समाप्त